अब बात गांडे उपचुनाव की भी कर लेते हैं। ये तो तय था कि वहां से कल्पना सोरेन ही चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब इसे फाइनल कर दिया गया है कि गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन वहां चुनाव लड़ेंगी। गांडे की सीट कितनी दिलचस्प होगी, वहां की जंग कितनी दिलचस्प होगी। चलिए, लगता है करिश्मा से हमारा संपर्क कट गया है। मदन, यही सवाल आपसे, गांडे उपचुनाव पर अगर हम सविता महतो की बेटी चुनावी अगर ये होगी तो शायद वहां पर कड़ा मुकाबला या फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को। चलिए, मदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, बात कर रहे थे हम गांडे उपचुनाव की, यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। कल्पना सोरेन का नाम तय था ही, लेकिन अब आधिकारिक रूप से जेएमएम ने घोषणा कर दी है, सरफराज अहमद ने यह सीट छोड़ी, हेमंत सोरेन को जेल हुई, तो क्या एक सिंपैथी वोट यहाँ पर नजर आ रहा है जो कल्पना के पक्ष में जाएगा। देखिए, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की खुमार है, लोग अलग अलग सीटों पर इंतजार कर रहे हैं कि कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, वहीं सबसे हॉट सीट बनकर जो है गिरिडीह का उपचुनाव आया है सामने। ऐसे में यह इसलिए उपचुनाव हॉट सीट बन गया क्योंकि कल्पना सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और उनका एक राजनीतिक सफर जो कहे उसकी शुरुआत इसी गांडे लोकसभा उपचुनाव से होने जा रहा है। ऐसे में संभावना कई है, चर्चा कई तरह की है कि अगर कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतती हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अगर आप शुरुआत देखें तो जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी झारखंड में, तब यह सीट जो सरफराज अहमद जो वहां से विधायक थे उनसे इसीलिए खाली कराया गया था, जो बातें सामने आई थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी और हेमंत सोरेन पर अगर कोई कार्रवाई ईडी की होती है, तब उस वक्त में जो है यह निर्णय लिया गया था कि एक साल से पहले अगर इस सीट को खाली कर दिया जाता है तो फिर वहां उपचुनाव होंगे और 6 महीने के भीतर कल्पना सोरेन चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री पद को कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ, चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने और अब राजनीतिक सफर की शुरुआत जो है कल्पना सोरेन गांडे से करने जा रही है। जरूर सरफराज अहमद वहां से राज्यसभा सांसद बने हैं, एक तरह से अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या काफ़ी है, आदिवासी वोटरों की संख्या काफ़ी है, ऐसे में उम्मीद जरूर है कि कल्पना सोरेन वहां से जीत कर आए। लेकिन जो जिस तरह के और भी समीकरण हैं, जो जातिगत समीकरण की बात करें तो बीजेपी और आजसू के वोटर के को अगर जोड़ दें तो एक आंकड़े जो है उनके पास भी हैं कि वो एक कड़ी चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक सिंपैथी वोट के साथ कल्पना सोरेन अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत जो है गांडे से करने जा रही है, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर है। अब देखना होगा, अपने चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कल्पना सोरेन काफ़ी दिनों से अब वहां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, आम लोगों तक पहुंचकर हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर के अपनी जो योजना है, अपनी जो विज़न है, उससे भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं। तो ऐसे में कितना कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को वो, और समीकरण जो होता है जातिगत समीकरण वोटरों को अपने पक्ष में करने का, ये देखना होगा। क्योंकि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को एक तरह से कहे तो पहले घोषित करके एक लंबा वक्त वहाँ भी दिया है अपने उम्मीदवार को चुनावी तैयारी के लिए। दूसरी तरफ थोड़ी सी नाराजगी आजसू की जरूर आई थी गांडे सीट पर, लेकिन उसे भी दूर कर लिया गया। आजसू की दावेदारी भी हो रही थी कि गांडे सीट से अपना उम्मीदवार दे, लेकिन आजसू और बीजेपी अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर पिछले चुनाव के परिणाम को देखें तो दोनों को वोट को अगर मिला दें तो एक समीकरण जो है बीजेपी और एनडीए के पक्ष में जाता हुआ जरूर दिखता है। अब ऐसे में देखना है कि कल्पना सोरेन की मेहनत और जो ये सिंपैथी वोट है वो कितना वोटर को कन्वर्ट कर पाता है, अपने पक्ष में कर पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मदन, अभी जब हेमंत सोरेन जेल में है तो इंडिया गठबंधन के प्रदेश में अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन बन चुकी है। जब वो खुद उपचुनाव में है, खुद चुनावी मैदान में वो हैं, तो बाकी जो लोकसभा की सीटें हैं जहां पर उनका प्रेजेंस महत्व रखता है, जहां वो स्टार प्रचारक के रूप में हो सकती थी, क्या बाकी जगहों पर वो ध्यान दे पाएंगी या फिर अपनी सीट पर ही पूरा फोकस रहेगा उनका। ये चुनौती हो गई है उनके सामने, इसी में वो वक्त निकाल कर थोड़े भी जो वक्त मिल रहे हैं उसमें तमाम जगहों पर जाकर के चुनावी प्रचार अभियान को जरूर बढ़ाने में सहयोग कर रही है। लेकिन जिस तरह से अगर वो सीधे तौर पर चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होती, उनके भी राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं होती, तो फिर वो पूरी तरह से मेहनत करती और एक तरह से 14 लोकसभा सीट पर जो है उनका भ्रमण होता, ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी सभा को संबोधित करती। जिस तरह से हाल के दिनों में देखिए उलगुला अन्याय रैली हुई, उसमें पूरा कमान कल्पना सोरेन के हाथों में रहा,
पूरा नेतृत्व जो है उन्होंने किया, तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा जरूर बनी है कल्पना सोरेन। तो अब उस चीज़ को गठबंधन कितना आगे ले जाता है, उनके चेहरे को कहाँ तक पहुँचाता है, कितनी सभाओं में उन्हें शामिल कराता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में एक तरह से जरूर कहें कि खुद के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान अगर नहीं देंगी तो वो भी परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, इसलिए पूरी ताकत अपने चुनाव पर भी लगाना है। दूसरी तरफ गठबंधन धर्म का भी पालन करना है, जहाँ भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं वहाँ पर उनके सभा में उनके समर्थन में जा करके रोड शो हो या फिर चुनावी सभा हो, तमाम चीज़ों में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। तो एक चुनौती भरा वर्क जो है, चुनौती भरा समय जो है, जरूर है। चलिए शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। लाला जमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जमी आपका, करिश्मा आपका भी। तो फिलहाल अब जो दो सीटें थी, हालांकि एक सीट गांडे सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां से कल्पना सोरेन का नाम तय था और उन्हें ही जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जमशेदपुर पर कई अटकलें लगाई जा रही थी, कई नाम सामने आ रहे थे, आखिर में समीर मोहंती को वहां से जेएमएम ने कैंडिडेट बनाया है। अब यहां पर क्या समीर मोहंती कोई कमाल कर पाएंगे, क्या महतो वोटर्स को रिझा पाएंगे समीर मोहंती, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है इस लोकसभा चुनाव में, जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा महतो वोटर्स हैं, कुर्मी वोटर्स हैं। अगर उन्हें तोड़ पाते हैं समीर मोहंती तो ये उनके लिए बड़ी जीत होगी। और विद्युत वरण महतो यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, दोबारा से उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, तो ऐसे में ये जंग भी काफी दिलचस्प होगी।